हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ एंड ये मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई लव फाइनेंस। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड आई से द बेस्ट एज इज टुडे। नाउ टुडे आई एम इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर मैं वॉरेन बफे की बात करें, जिनको हम ओरेकल ऑफ ओमाहा बोलते हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 11 ईयर्स में स्टार्ट की थी व्हेन ही वाज जस्ट 11 एंड हिज मेजर वेल्थ ही बिल्ट इट आफ्टर 30-40 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग इज नोन एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सबको पता है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। सो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया हु इज इन लेट 20s एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करूँ। सो आई टोल्ड हर कि मैं ना आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा एंड तो दिस वीडियो इज फॉर हर ऑल्सो एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर कन्फ्यूज कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोग ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है कहते हैं हमारे पास ज़्यादा पैसे है नहीं, हमारे पास ज़्यादा सेविंग होती नहीं है। बट बिलीव मी, दिस इज़ अ मिथ। यू डोंट नीड टन्स ऑफ मनी टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। इन फैक्ट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर फर्स्ट चेक। फॉरगेट फर्स्ट चेक, अगर आपने बचपन में पिगी बैंक में सेविंग की हो, आज मेरे बेटे का जो भी पिगी बैंक में सेविंग होती है उसको हर महीने मैं उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, उसको उससे पूछ के इन्वेस्ट करता हूँ। तो आई थिंक यू शुड एजुकेट योर किड्स एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एट द अर्ली एज। सो बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो आज का वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको भी हेल्प मिल सके कि कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज कैसे बिल्डअप करें। आई विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट टिप्स बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। पहला, देर इज अ वेरी गुड सेइंग कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इनफैक्ट अभी बड़ा नाइस वेदर है एंड रेनबो में आपने कलर्स देखे हैं, बड़े डिफरेंट कलर्स हैं, वो इतने अच्छे क्यों लगते हैं? बिकॉज लाइक इन अ रेनबो देर आर 7 कलर्स। तो वैसे ही डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है एंड आपकी जो एक्सेस मनी है या फिर स्पेयर मनी है उससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। बट डाइवर्सिफिकेशन में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। दे समटाइम्स वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड, डाइवर्सिफाइंग इज डिफरेंट एसेट क्लासेज लाइक गोल्ड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। और अगर स्टॉक्स में भी है तो डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर्स, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है। जब बट मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की थी स्टॉक मार्केट में तो मैंने 170 प्लस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स की थी। बट समबडी हु वाज वेरी वाइज एंड उनको 5 साल हो गए थे इन्वेस्टमेंट्स में, तो उनसे समझ में आया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज एज गुड एज अंडर डाइवर्सिफिकेशन। तो इट डजंट हेल्प, इट इज़ अ स्पॉइलर। So I keep 15-20 stocks in a stock market. Before doing any kind of investment, you should be very clearly having a goal कि आपको investment कहाँ कहाँ करनी है और क्यों करनी है। तो your why of investment should be very clear. Are you doing investment to build wealth or it is a very specific goal like you want to buy a house or plan for a vacation or you want to fund your child education? So there are two kind of investment. One is for wealth creation, second is for specific funds. आपको बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर गोल्स लिखने पड़ेंगे कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट करी है वो किस पर्पज़ के लिए की है, वो वेल्थ के लिए की है या कोई स्पेसिफिक गोल्स के लिए की है। एंड वंस यू हैव डन अ कैलकुलेशन देन यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली। एंड आपको एज अ इन्वेस्टर यू हैव टू सी वॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर। इज अ वेरी गुड बुक विच आई रिकमेंड टू पीपल कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द अदर बुक्स ऑल्सो। इट टॉक्स अबाउट कि वॉट इज योर साइकोलॉजी अबाउट मनी। आर यू अ अग्रेसिव इन्वेस्टर, आर यू अ कंजर्वेटिव investor, are you a balanced investor? Sometimes with age your investment thesis changes. Like people who are young are supposed to be aggressive, they invest in stocks, they invest in aggressive assets. People who are into 55-60 age, they invest in fixed deposits because they don't want to take risk. So it depends upon your age and other psychology about money, what you feel. But one goal should be very clear. They put their money in saving account. It is okay to have some security net, safety net. But if your money is not beating inflation, you are losing on money. Inflation is the tax which every person pays. This is a statement given by my mentor and I understand. Because let's say, I will give you an example. Let's say you have maybe 1 lakh rupees in your account and your saving interest is 3%. But if you consider the value, time value of money in the next year, that 1 lakh worth will be maybe 95,000. So if you don't compound your money by more than 5-6%, you are losing on money.
So I never recommend people to keep money in the saving account. You should deploy your money into different asset classes to generate returns. And now the question is, how much returns you have to generate? But before you decide the target or returns, there are three things which I call it SLR philosophy. वो आपको समझ नहीं पड़ेगी. What is that philosophy? That is known as safety, liquidity and risk versus reward ratio. तीनों का अलग अलग intent है. Safety से क्या फायदा होता है? अगर आपने fixed deposit में, AAA bonds में डाल दिया, sovereign gold bonds में डाल दिया या फिर PPF में डाल दिया, तो आपको peace of mind है. But return ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि safety ज़्यादा है तो return कम आएगा. Second is liquid assets. Like they are money markets, they are stock markets. आप आज stock बेचो, कल पैसा आपके पास आ जाएगा. So that is how liquid it is. Financial investments में आपकी liquidity high होती है, saving account में तो आपकी liquidity high होती है, FD में भी high liquidity होती है. But real estate में liquidity इतनी high नहीं होती है, especially अगर commercial real estate में जाते हैं. तो liquidity is also very important factor. अगर आपको fund, आपको जल्दी पैसा चाहिए, 3 महीने 6 महीने में कोई emergency contingency के लिए डालना है, तो आपको high liquid fund में डालना है. And सबसे important जो हर एक investor को चाहिए, वो चाहिए return. But I always say return से ज़्यादा important है managing the risk. Because if you are managing the risk, then return will be taken care of. So you need to decide your safety, liquidity, risk or return thesis and decide. I am a aggressive investor, but I have some balanced funds also. I will give you my thesis. So today I am revealing my investment secrets. So I do a 30% investment in real estate, 40% in stocks and 10% each in three things. 10% in safety, safe funds, liquid funds. So 10% in riskier funds and 10% to gold. That is my investment thesis and I will give you a reason for it. So why 30% in real estate? First, when you have a large amount of money and real estate is the one fund jahan pe aap bahut zyada paisa dal sakte ho, but usme challenges kya aate hain? Liquidity uske thodi si kam hoti hai aur uski transaction cost high hoti hai. But real estate is one thing which is very emotional to somebody, especially kisi ne agar ghar ki baat ki ya koi property ki baat ki. We Indians have little inclination towards real estate. So I think 30% money, this is my philosophy, my money goes into real estate. But my favorite is stocks, because stocks gives an average yield of 13-14% as compared to real estate, which gives only 6-7%. And so I put 40% money in stocks. Usme bhi large, mid and small hai. Uske liye ek bahut bada video banega, to main usko bhi nahi share kar raha hu. Then three things, 10% in safe funds, liquid funds, could be FD, could be PPF, could be anything. So 10% hai main safe area mein dalta hu. It could be fixed deposits or it could be AAA bonds. Agar aapko liquidity immediately nahi chahiye, to aap you can put in PPF also. 10% I put into something called gold, because if you talk about gold in last few years or last 30 years has given an average yield of more than 9%, which beats inflation and it is one of the good asset to hold upon. And there are different ways to hold gold, like sovereign gold bond, then gold ETFs hote hain, physical gold hote hain, digital gold hote hain. That is another topic which I will cover later. But 10% I do into risky investments. And which is, what are the risky investments? Unlisted securities and AIF, alternative investment funds, and startups. And why it is risky? It is more return. If you talk about startups, the returns is more than 25%, but it is very risky. Why? Because it is not liquid. At the same time, you never know that money can become zero. So that money, if I lose it, it doesn't matter, but it can give a 25% return and it can give me extra alpha. But one last tip, before you invest, understand there is a taxation to different asset classes. Like FD will have a 30% tax. Long-term capital gain recently are now at 12.5% tax. So you should not talk about the gross yield, but see the net yield before deciding on the investment you want to do. So investment journey is very personal, but remember few things, that start early, do diversification, understand your risk appetite and what returns you are looking at. Last but not the least, balance risk with return. So see your money growing and let them compound for a good period of time to build real wealth. If you have any queries, you can always ping me on my YouTube channel and I will be happy to help you with my knowledge, my experience. And subscribe to my channel
for more useful content. Thank you for watching.